अब भी चिल्ला हुआ है ओए। हाँ अब भी चिल्ला रही है। क्या बात है दुराले? तो अपनी बेटी समझ कर रखे है इसको, बेटी समझा। इसने मेरे साथ हद पार कर दी। मैंने तो आपको रेंट पे इसलिए दिया था, तेरे माँ बाप शरीफ दिखते थे, मगर चल बच्चे शरीफ हैं, चल दे देता। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है अभी सबके? तो भाई आज हमारे साथ बैठे अंकल, इनका नाम भूपेंद्र है, और इनके लड़के ने भाई मेरे से कुछ बोला था कि इस तरह की हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है और हमारी हेल्प कर दो। तो वो भाई तो आया नहीं है, उनके पापा आए अंकल जी। इन्होंने भाई जो मेरे को बताया, बुरा लगा, ऐसा भी कुछ होता भाई, मैंने तो सुना नहीं था पहले। एक बार अंकल जी जो आपने बताया है, मेरे को बताया था वो जो प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, एक बार कैमरे में बता दीजिए जो भी आपके साथ हुआ। हाँ ऐसा बेटा, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ जी हाँ जी। जो यहाँ दिल्ली में आया था, मैंने पीजी बनाया था। अच्छा। 10 मंजिल बना रखे हैं, मैं रेंट पे देता हूँ। ठीक है। यहाँ लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, सब रहते हैं, सब मेरे बेटा बेटी समान है। ठीक है जी। कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी, वो अपने माँ बाप के साथ। कहाँ से थी? झारखंड से आई थी, पता नहीं झारखंड बता रही है वैसे तो। हाँ, लेकिन हाँ। मैंने उसका एड्रेस भी लिख रखा, आई थी वो मेरे पास, उसके माँ बाप भी आए थे। अच्छा। तो कहने लगे भाई साहब, इनको मेरी लड़की को ये किराए पर दे दो। हाँ हाँ। और ये पढ़ाई करती है। अच्छा। चलो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं भाई, ठीक है लड़की है, दे दिया मैंने। अच्छा। तो वो लड़की, उसका व्यवहार इतना बढ़िया था शुरू शुरू में, अंकल जी करती थी, मतलब सब मर प्रेम प्यार से बोलती थी, किराया भी टाइम पे दे देती थी। हाँ। तो धीरे धीरे मैंने देखा भाई इसका किराया रोकने लग गई है। अच्छा। और इसका व्यवहार भी इतना बदल गया कि पूछो मत। अच्छा। कभी ये रात को आती है, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे तक आती है, कभी 2 बजे भी आती है, ड्रिंक करके आती है। अच्छा। और आके बालकोनी में मैंने देखा वो सिगरेट भी पीती है, फिर इसके साथ लड़के भी आने लग गए एक दो छुप छुप के। अच्छा अच्छा। तो मैंने इसको समझाया, बेटा ये बात ठीक नहीं है, तू मेरी बेटी के समान है, ऐसा मत कर, तू अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। लेकिन ये मेरी बात को थोड़ा इनगौर करेगी। हाँ। कहने लगी चलो ठीक है, मैं देखूंगी अंकल जी, कोई बात नहीं। अच्छा, ये धीरे धीरे फिर मेरा किराया भी रोकने लगी। अच्छा। तो अच्छा, 5-6 महीने का किराया हो गया, 8,000 रुपये किराया है, 50,000 के करीब किराया हो गया। अच्छा। तो मैंने पैसे भी इससे मांगे, तो ये कह रही मैं दे दूंगी, लेकिन ये समझी नहीं। फिर भी मेरे को ना ये इसके घर बता दो ना फिर। मैंने इसको बोला था मैं तेरे घर पे फोन करूंगा, तो ये कहने लगी आप फोन करोगे तो मैं आपको है ना उल्टा और फंसा दूंगी। किस चीज में फंसा देगी? मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी, मेरे साथ वो करते हैं, वो करते हैं या गलत करते हैं। मैं बेटा ऐसा है, मेरी इस कॉलोनी में बहुत इज्जत है। हाँ जी। अगर तू ऐसा काम करेगी तो ये ठीक नहीं है बेटा, मैं तेरे को बेटा समझता हूँ, बेटी के बराबर है तू मेरी, ऐसा मत करना मेरे साथ। हाँ जी। तो ये तब तो चुप होगी, फिर कहने लगी, फिर नहीं मानी ये बिल्कुल भी, उल्टे सीधे काम करती रही। तो मैंने इसको बोला भी, मगा बेटा ऐसे काम मत करो। ये कह रहे नहीं नहीं मैं आपको ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मतलब तो हाँ। मैंने कहा बेटा मेरे घर में बहुत इज्जत है, कॉलोनी में बहुत इज्जत है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे को सब जानते हैं मैं कितना शरीफ हूँ। तो बहुत समझाया मैंने उसको। हाँ हाँ। फिर एक दिन क्या कहने लगी कि अंकल जी मेरे को है ना आप 15-20 हज़ार रुपये दो। माँ किस चीज़ के लिए? कह रही मेरी फ्रेंड की पार्टी है, मैं उसमें करूंगी। तो मगा अपने घर वालों से लेना वो। मगा तू तेरे मम्मी पापा हैं, अब तेरे घर वाले, मगा उनसे ले ले। हाँ हाँ। कहने लगी नहीं नहीं आप दो, मगा मेरे पास तो पैसे है नहीं। अच्छा। कह रही मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, ये कर दूंगी। मगा तू चाहे कुछ कर, लेकिन यहाँ ना मेरी इज्जत मत उछाल और ना मेरे पास पैसे है। अच्छा। बस कोई नहीं अंकल जी। हाँ। पता आप क्या करो आप। हाँ। उसके पास कॉल करके। हाँ। यहाँ बुला लो। अच्छा। और यूँ बोल दे 15,000 रुपये जो तूने मांगे ना। हाँ। वो मैं यहाँ पार्क में बैठा हूँ। हाँ, ठीक है। यहाँ बुला लो एक बार उसको। ठीक है मैं बुला लेता हूँ। हाँ। तो भाई एक बार अंकल जी कॉल करो उसके पास। हाँ, देखते हैं। लाउड स्पीकर करना अंकल जी। चार्ज पाए अन्य सेवाएं या करें शिकायत दर्ज एयरटेल थैंक्स ऐप या www.airtel.in पर। हेलो। हाँ बेटा सिमरन है। हेलो। हाँ बेटा सिमरन है। हाँ। आप पैसे मांग रहे थे ना जो 15,000 रुपये। हाँ हाँ। वो आप यहाँ आ जाओ, पार्क में दे दूंगा मैं। कहाँ पर? ये डिस्ट्रिक्ट पार्क नहीं है यहाँ पे? अच्छा। हाँ यहाँ बैठा हुआ मैं, यहाँ आ जाओ। पूरे हैं ना पैसे? हाँ मैं दे दूंगा, आ जाओ आप। चलो मैं 15 मिनट। हाँ आ जाओ आ जाओ।
ठीक है, हमें को साथ में चाहिए, ठीक है ना पैसे? हाँ हाँ आ जाओ, ठीक है, पता है ना फिर आप पैसे मिलने मुझे। ए बेटा आ तो जाओ, मैंने बोल तो दिया मैं दे दूंगा, ठीक है मैं 15 मिनट में आ रही। हाँ ठीक ठीक, क्या बोल रहे अंकल? 15 मिनट में कह रही, 15 मिनट में आ रही है भाई वो। अंकल जी उसके ना मुँह से एक बार रिक्वेस्ट, आपसे कैसे भी आपको निकलवानी है कि मैं आपको ब्लैकमेल करूंगी, कर रही हूँ या केस कर दूंगी, एक बार उस कैमरे में क्लिप कैप्चर होगी ना तो उसका मतलब हमारे पास प्रूफ हो जाएगा एक कि वो आपको टॉर्चर कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लेना। तब तक के लिए भाई हम ना कैमरा साइड करवा देते हैं और उसको आने का वेट करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हाँ अंकल, बेटा लाए पैसे। बेटा पैसे देने के लिए नहीं बुलाया आपको। तो किस लिए बुलाया मुझे यहाँ पे? मैंने आपको समझाने के लिए बुलाया। मुझे नहीं पता, मेरे को पैसे चाहिए, मैंने इतना टाइम वेस्ट करा, पागल थोड़ी ना हूँ। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बुलाया यहाँ। यार ये क्या मतलब होता है आपका? बेटा एक तो ये गलत शब्द मत बोलो, मुझे नहीं पता मेरी होती है बेटी, समझाना तो। मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने तो आपको चाहिए, मैं तेरे ऊपर केस ठोक दूंगी। क्या केस ठोकेगी बेटा? मैं ठोक दूंगी और तेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी फिर वहाँ पे, मेरे को मत बोलियो फिर। तो मैंने ऐसा क्या किया जो आप केस ठोक दोगे बता? मैं केस ठोक दूंगी, समझ भी नहीं आएगा तेरे को, और तू जेल में मरता रहेगा। आपने पहले इतने किराया रोक रखा है ना 6 महीने का? मुझे नहीं पता, मेरे को पैसे देने के लिए बुलाया ना यहाँ पे, पैसे देने के लिए बुलाया, बताओ यहाँ पे पैसे दे, फिर यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो जब मैं पैसे होंगे नहीं तो मैं आपको दूंगा कहाँ से, ये तो बताओ आप। मैंने तो आपको इसलिए कहा बेटा, मैं 6 महीने का वैसे ही किराया रुका, मैं और पैसे कहाँ से दूंगा आपको? मुझे नहीं पता, ठीक है ना? तो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो ये बताओ? अब देखते रहो, मैं जेल में डालती हूँ, मेरे को पता नहीं लड़की की पावर क्या होती है। बेटा तेरे माँ बाप हो तो उनके साथ भी ऐसा करते हैं? हाँ करती मैं, ठीक है मैं देख लूंगी, मेरे को पैसे चाहिए, ठीक है ना? बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बुलाया। अब मैं तेरे ऊपर केस ठोकूंगी और तू जेल में सड़ेगा। अपने लड़की होने का फायदा मत उठाओ। हाँ मैं लड़की हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समझो इस बात ना, गलत संगत में मत पड़ो। मैं समझा रहा हूँ बेटा, समझ जाओ इस बात ने, नहीं तो आगे आपकी लाइफ में बहुत तंग पाओगे आप, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। बेटी हो मेरी, लड़की की पावर पता नहीं है, पता नहीं है तुझे लड़की की पावर? कोई नहीं बता पावर से बेटा, मैंने कोई गलत काम किया? मेरे को बता दो क्या तू कौन है, कौन तू, पावर बता, क्या लेना देना तेरे को हमसे, क्या लेना देना है, क्या कर रहे हो? खामो बीच में आ रहा है, क्या कर रहे हो खामो बीच में, क्यों आ रहा है तू यहाँ पे, तेरे को क्या लेना देना है? जब तू इसको नहीं जानता, मुझे नहीं जानता, तू ताऊ है मेरे, जानते हैं? हाँ भतीजा मेरा, मैंने बुलाया इसको यहाँ पे, क्यों बुलाया तुम, क्या कर रहे हो, सब शर्म आ रही है? मैं कुछ भी करो नहीं आ रही मेरे को शर्म, अपने माँ बाप के साथ वैसे कर, जा यहाँ से, चल जा अपने माँ बाप के साथ वैसे करो के, तेरे को क्या लेना देना, तू जाए यहाँ से, समझा ना? मैडम देखो ऐसा है, ये जो भी हरकत कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो, का लिहाज कर लो कम से कम इनकी। नहीं कर रही मैं शर्म का लिहाज, नहीं कर रही, तू जाए यहाँ से। कहाँ से आई हो? ये झारखंड से आई और बिल्कुल बेशर्मी पे उतरी हुई है। नहीं नहीं छोड़े गए थे तेरे माँ बाप दिल्ली में कि हाँ तू आई ना अंकल, बूढ़ो पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगा के पैसे ठगेगी, ठीक है ना? समझ नहीं तेरे को, मैं पागल दिख रही हूँ तेरे को, मैं पागल दिख रही हूँ? खामो का किसी के मैटर में तू आ जा रहा है, मेरे ताऊ का मैटर नहीं है, मेरे घर का मैटर, ये घर का मैटर है, ये मेरा, तेरे को समझ नहीं आ रहा है? तेरे को आ रही है समझ? तू जा यहां से, चल निकल यहां से, ज्यादा ना वो मत बन, ठीक है? बनूंगी, तू जा यहां से, परेशान कर रही है, कम से कम इन केस तो देख ले तू। नहीं देख रही है, तेरी भी नहीं देखूं, तेरे ऊपर भी केस ठोकूंगी अब, तू देख किस चीज का ठोकेगी? अब मैं केस ठोकूंगी तेरे ऊपर भी, इसके ऊपर भी, मुझे नहीं पता, ठीक है ना? प्रूफ दिखा मैं क्या, किस चीज का? अरे मैं ठोकू केस, मैं ठोकू केस, पुलिस वालों को बुला, इसने बेटा ऐसे इनकी जाइए हरकतें है ना कि हाँ भाई लड़कियों की सुनते हैं टाइम, इसने बहुत तंग कर रखा है ऐसा। एक बार उस तरफ पलट के देख, एक बार पलट के देख, सामने का कैमरा लगा रखा है मैंने, और जो ये तू बोल रही है ना हरकतें लगा रखा है, ये क्या है, क्या है ये, क्या ये प्रूफ है? अगर तेरे को पता, इस प्रूफ से देख, अब तेरे को मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, मैं दिखाता हूँ इस प्रूफ से, जो तूने बोल रखा ना ये सब हरकतें, मैं बताता हूँ ना तेरे को इस प्रूफ से सब पता लग जाए। ये तो अनंग कर, टेंशन मत लो इसका, नहीं घर वालों को पुलिस वालों को, अरे नहीं इसने बहुत तंग कर रखा है मेरे को, कैमरा क्यों लगवा रखा है? मैंने लगवा रखा है बेटा, तुमने बहुत तंग कर रखा है मेरे को, मैं क्या करूँ? घर वालों को मैंने इतना समझाया, बेटी समान है तू मेरी, मैं तेरे बाप, मत बताना, मैं नहीं मांग रही पैसे, छोड़ो। मैंने कभी बताया, लेकिन मैंने आपको इतना समझाया, ब्लैकमेल कर, तू इतना ब्लैकमेल कर रही है मेरे को, मैंने इतना समझाया बेटा ये तेरी लाइफ के लिए ठीक नहीं है। अरे मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं नहीं, तूने हद ही पार कर दी, हम क्या करें बताओ? ना ना, तूने
ऐसे मत कर, ऐसे क्यों ना कर रहे? मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना। अच्छा इनकी बेइज्जती हो रही ना हमारी, समझ नहीं आ रहा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब भी चिल्ला हुआ है, ओए अब भी चिल्ला रही है, क्या बात है, दूर ले, अब भी चिल्लाने लग रही है, अब भी चिल्ला रही है, समझ नहीं, नाम की चीजें नहीं है, एज तो देख लेंगे कम से कम है, अब से नहीं करूंगा, जूम कर बेस इसका, अब से नहीं, ये समझा रहे हैं, छह महीना किराया खा के बैठी तू इनका, अब से नहीं करूंगी ना, क्या नहीं करेगी? अरे मैं इसके घर वालों को अंकल ये क्लिप भेजूंगा मैं, नहीं नंबर दो अंकल, मैंने तो बहुत समझाया बेटा तेरे को, देख अंकल, लेकिन तेरे समझ में नहीं आती, हद पार कर दी तू, मेरे परिवार परेशान है, मेरे गली में बदनामी होने लग रही है, मैं क्या करूँ बताओ अंकल का, मैंने तो आपको रेंट पे इसलिए दिया था, तेरे माँ बाप शरीफ दिखते थे, मैं चल बच्चे शरीफ हैं, चल दे देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, लड़की है कहाँ रहेगी, मैं वीडियो वीडियो में डलवाओ, छोड़ दो ना भैया, डलेगी नहीं, तेरे घर वाले हर केस अंकल, देखो आज आपके साथ करी है, कल दूसरे जगह जाओगी, फिर होगा ऐसा, अंकल देखो इसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए, नहीं करो तो चल जाएगा, ऐसे मत करो, तो ये जब इसके घर वालों पे मेरी पता है इस उम्र में मेरी क्या बेइज्जती हो रही है, क्या कह रहे हैं लोग बाग मेरे को, मेरे घर वाले क्या कह रहे हैं, मेरे बच्चे हैं, वीडियो नहीं बिल्कुल नहीं, तो शर्म आ रही है तेरे को, तू तेरे को पहले देखनी थी ना ये सब, हाथ दूर कर ले, ना ना मेरे पे क्या क्या बोल रही थी, वुमन पावर, नहीं सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, अब क्या ना क्या कैसे पावर बता, नहीं बे नहीं, अब मैं दिखाऊं, मैन पावर दिखाऊं, नहीं करूंगी मैं ऐसा, मतलब यू भी नहीं देख रही, एज क्या है इनकी, मैं कर क्या रही हूँ, किस लिए मेरे घर वालों ने भेजी थी, मैं अंकल जी क्या करना है, करवा देना एक बार इसका, करवा दो, मैं तो बहुत समझा, क्या गारंटी है आप, आपके आप गारंटी कुछ नहीं है, जब ये बच्चे जाओगे वहाँ नहीं होगा, ये बैग गए या दोबारा फिर करेगी, अच्छा दोबारा फिर होगा ना, फिर करेगी, अच्छा क्या क्या गारंटी, समझती नहीं है बात, नहीं बता गारंटी, मैंने इतना समझा लिया इसको, बेटी 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 कह के मैं इतना समझा, और अपने घर वालों को फोन कर, इसको फोन फोन कर, नहीं भाई फोन उनकर घर वालों को बुला अपने, नहीं भाई घर वालों को पता चल जाएगा फिर, नहीं मत कर ऐसा, नहीं नहीं तो पहले क्यों नहीं सोची तूने, अब से नहीं करूंगी मैं ऐसा, गलती होगी मेरे से, माफ कर, नहीं नहीं कोई नहीं अंकल जी, देखो देखो मैं, मेरे को लगता है ये आज जैसे आपके साथ करे कल कोई और होगा, और क्या पता अभी भी कितनों को बाहर भी कितनों को पागल बना रही होगी, जब जिस बंदे ने छप्पड़ दिया घर में रहने के लिए जगह दी उसी के साथ, तो अपनी बेटी समझ कर रखे इसको, बेटी समझा, इसने मेरे साथ हद पार कर दी, मैं क्या करूं बता, इसलिए मजबूर हो गए, मैंने ये आपको हेल्प के लिए बुलाना पड़ा, और ये इसका रिकॉर्डिंग कैमरा करवाना पड़ा, ये सब बातें ताकि इसका पता लग सके लोगों, हाँ, लोगों को, हाँ, पता लग सके, लोगों को पता लग सके भाई, मेरे घर में बेइज्जती हो जाएगी, तू समझ, इनकी इनकी बेइज्जती दिख रही है, अपनी अपनी बेइज्जती दिख रही है, ताकि इनको आगे आगे इनको सीख मिल सके, आगे हम ऐसा काम ना करें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कोई नहीं अंकल जी, बुजुर्ग आदमी को किसी को परेशान करते हैं बेटा, भाई बंद कर, इसके वालों को बुला कर एक बार क्लिप पर सब कुछ, इस प्रकार से सब कुछ लगवाऊंगा, और पैसे पैसे दे इनके, कितने पैसे अंकल जी, 15-48 हज़ार रुपए तो पहले 6 महीने का किराया है, 48 हज़ार 6 महीने का, वो पैसा मंगवा अपने घर वालों से, कहाँ गया वो, अभी नहीं है मेरे पास, मैं दे दूंगी धीरे धीरे, देखो अंकल जी देखो, ना तो ये पैसा देगी और ना ये हरकतें छोड़ेगी, इससे अच्छा हम इसकी फैमिली को बुला कर पैसे भी ले ले, और इसको वहीं जहाँ से आई ना वहीं रह लेगी, ठीक है, कैमरा बंद कर ले भाई, नंबर ले, मैं इसके घर वालों ने बुला, नहीं नंबर, मैं आपके सारे पैसे लुटा दूंगा, ऐसा मत करो, नहीं, नहीं बेटा, नंबर दो अंकल, मैंने आपको इतना समझाया था ना, मैं आपके पैसे दे रही हूँ ना, धीरे धीरे करके दे रहा हूँ, मेरे पास नहीं, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल अभी सबके, तो भाई जो वीडियो में अंकल थे भाई, इनके पैसे वापस हो चुके हैं और खुश है भाई ये, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना इसको, कमेंट करना और शेयर जरूर करना भाई, इसमें एक मैसेज है और एक किसी की हेल्प है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई साइड में इंस्टाग्राम दिख रहा होगा तो भाई इस पे जाके फॉलो कर लो, और भाई बातचीत करेंगे वहाँ पे।